अब चलिए आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं, वहां से रवि केंतुरा मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं। किस तरीके से हालात वहां पर बने हुए, क्या तैयारियां की जा रही है रवि, जो प्रभावित लोग हैं उन तक सहायता मदद किस तरीके से पहुंचाई जा रही है, ताजा हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं, क्या देख पा रहे हैं आप रवि? बिल्कुल दीपा, देखिए पहले तो ये जानना सबको जरूरी है कि क्या जोशीमठ के कुछ इलाकों में ये दिक्कतें हैं या फिर पूरा जोशीमठ शहर में दिक्कतें हैं, लेकिन हम ग्राउंड पर हैं, मैं ये बता सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि पूरे जोशीमठ शहर में दिक्कतें हैं, क्योंकि हमने सिंहद्वार से शुरू किया था, जहाँ से हम तस्वीरें दिखा रहे थे उसके बीच में ज्योतिर्मठ की जो अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई है वो बिल्कुल बीच का हिस्सा है, और जहाँ जो शहर का जो इधर का हिस्सा है जो कि आखिरी हिस्सा है रविग्राम से पहले, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या तस्वीरें यहाँ पर हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे इतने बड़े क्रैक्स हैं कि पूरा हाथ जो है यहाँ पर अंदर जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें बयां करती हैं कि क्या दिक्कतें यहाँ पर हैं, और लोग इस घर को छोड़कर पहले ही चले गए थे। बड़ी बात ये है कि आज नहीं, यहाँ पर एक साल पहले ही लोगों ने इस घर को छोड़ दिया था। तब यहाँ पर एक आंदोलन भी हुआ था दीपा, लेकिन उस वक्त जो है उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। उस वक्त ये माना गया कि ये मकान के जो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं ये सिर्फ मुआवजे के लिए इस तरीके की बात कर रहे होंगे, लेकिन आज हालातों को देखकर ये माना जा सकता है कि तब इस बात को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद तब से जो है इन तमाम चीज़ों को बचाने की जो ज़रूरत थी वो शुरू कर दी गई होती। ये देखिए इतने बड़ी दरारें हैं जो हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं आपको, कि एक बहुत डरावनी है। हम अभी ऊपर गए थे लेकिन बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पर भी है, ये घर कभी भी यहाँ पर ज़मींदोज हो सकता है, इसके ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की बड़े बड़े जो दरारें हैं यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही हैं कि कैसे हैं। इस तरीके से लोगों ने इस घर को छोड़ दिया, यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से नीचे पीपलकोट एक जगह है वहाँ चले गए, महिलाएँ आजकल इस वजह से यहाँ पर जो परिवार वाले हैं वो वापस आए हैं कि जब फिर से पूरे शहर में दरारें आ रही हैं तो क्या वो हमारा घर कैसा हो इस वक्त होगा, क्योंकि लोग पहले ही डर के साए में यहाँ से चले गए थे। यहाँ पर मौजूद भी हैं हमारे साथ, तस्वीरें दिखाते रहिए और हम बात भी करेंगे। कब गए थे आप यहाँ से? हम चले गए थे 18 में हम यहाँ से चले गए थे, तब हल्के हल्के दरारे थे यहाँ पे, तहसील जाते रहे, सब लोगों को बताते रहे, लोगों ने बोला कि तुमने कच्चा बना रखा कुछ नहीं होगा, और कहा है कि जब छत नीचे आएगा तब हम कुछ करेंगे, इस पर सरकार कुछ करेगी, छत नीचे आएगा तब कुछ करेंगे, नीचे आएगा तब कुछ करेंगे। तब इस जगह में बच्चों को नहीं रख सकते थे, स्कूल वाले बच्चे हैं, कई डिस्टर्ब हो रखे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कई समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, तो डेली गाड़ी का किराया नहीं दे सकते। यहाँ पढ़ते थे, अब आप यहाँ से उनके बच्चों के स्कूल भी जी 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 बच्चों को शिफ्ट वहाँ कर दिया, बच्चों को कैसे छोड़ सकते थे यहाँ पे, बच्चे सारे हमारे साथ में, एक माँ बाप ऐसे थोड़ी अपने को बचाएंगे तो बच्चों को छोड़ देंगे, जहाँ भी रहेंगे तो सुरक्षित रखेंगे पहले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले ये है कि जो NTPC यहाँ पर आई थी, NTPC के कारण ये हुआ, जिन लोगों को पैसा मिला है तो चलो उनका ठीक है, पर जोशीमठ वालों को तो कुछ मिला ही नहीं, जोशीमठ वाले फ्री में ऐसे दस रहे, तो आज भी सरकार उनको कहने के लिए तैयार नहीं है कि NTPC का कारण। पूरा शहर देखा है, आपको लगता है कि कुछ जगह सुरक्षित है या फिर पूरा शहर इस चीज़ में आ गया? बस धसा हुआ है, पूरा शहर धसा हुआ है, बस एक घर छोड़ के थोड़ा हल्की दरारें हैं, पर फिर तीसरा घर ऐसा ही चपेट में आ रखा, फिर दो घर ऐसे ही, फिर तीसरा घर। अभी भी सरकार का ये कहना है कि जो ज़्यादा चपेट में उनको देखेंगे, ठीक है आज कुछ कोशिश कर रहे हैं, और आज अगर एक घर ज़्यादा टूटा है तो वो छोड़ के चले जाएंगे, कल दूसरा घर बैठ गए तो उनके लिए कौन सोचे? बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे जो दिक्कतें हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ पूरा शहर इस वक्त दसाव की स्थिति में है, कहीं पर भी सुरक्षित स्थान नहीं है। हमें पहले ये लग रहा था कि कुछ जगह सुरक्षित होंगी लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए किस तरीके की ये दरारें हैं, इस घर के नीचे भी कई घर हैं उनको भी पूरी तरीके से खतरा है, वहाँ पर भी दरारें हैं, लोगों ने उन घरों को भी छोड़ना शुरू कर दिया है, और ये एक जगह जो जोशीमठ शहर के आखिर की जगह जहाँ से शहर के ये आखिरी परिवार इधर रहते हैं, और जो शुरुआत के परिवार थे वो सिंहधार में थे। सिंहधार की स्थिति बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, सिंहधार वो जगह है जहाँ पर वो दो होटल हैं जो आपस में ऊपर चिपक गए हैं, बीच में जिस ज्योतिर्मठ जहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य की जो तपस्थली थी वो शहर के सेंटर में है। तो ये तीन हिस्से हमने बता दिए कि शहर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, और यहाँ पर धीरे धीरे दरारें बढ़ रही हैं। कोई भी लोग फिलहाल सुरक्षित तो नहीं लगते हैं, जो ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं, जो हकीकत है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। ऐसे में पूरे शहर वक्त में इस बार जो ये सारी दिक्कतें यहाँ पर हैं, और इन दिक्कतों से बचने के लिए प्लानिंग की जा रही है। पूरा शहर इसके जद में आ चुका है, अंतर ये है कि कहीं पर जो दरारें हैं वो हल्की हैं तो कहीं पर बहुत गहरी हैं, और लोगों में डर इसी बात को लेकर कि आज जहाँ पर दरारें हल्की दिखाई दे रही हैं वहाँ कल सुबह होते ही दरारें और भी गहरी बड़ी ना हो जाएं, इसी को लेकर लोगों की चिंता है, और सरकार से भी वो लगातार अपील कर रहे हैं कि इनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए वक्त रहते ही। शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए, आप लगातार वहाँ पर डटे रहे, नजर अपनी लगातार बनाए रखें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।